मनी श्रीवास्तव दुर्ग। श्रीवास्तव जी तारीख समय बताइए। सर 20 जून 1973। समय 7:40 शाम को। आपकी कुंडली अगर सही है जी तो शादी के बाद जी जीवन में बहुत उपद्रव होने चाहिए जी, सही है कि गलत? हाँ सही है सर। सही बात। शादी के बाद जी लड़की के पिता के द्वारा जी आपके पिताजी का या आपके परिवार का जी किसी तरह का जी निरादर किया गया था? हाँ सही है सर। शादी के बाद जी आपको जल्दी ही कहीं दूसरी जगह रहना पड़ा? नहीं सर, हम लोग अपना घर बनाया तो दुर्ग शिफ्ट हो गए, पहले भिलाई में थे हम लोग। हाँ तो जगह बदली ना। हाँ जी वही तो परिवर्तन हुआ ना जी। ठीक है, कुंडली बताती है कि आपके पास धन नहीं टिकता, सही बात है? हाँ सही बात है सर। ठीक है, कुंडली के अनुसार आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, सही बात है? सही बात है मांडी जी। घर में थोड़ा अशांति का वातावरण रहता है, सही बात है? हाँ रहता सर। ठीक है, कुंडली के अनुसार आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हमेशा रहती है, सही बात है? हाँ सही है सर। आपको शरीर में दर्द रहता है? हाँ रहता है सर। दिन में सुस्ती लगती है? हाँ सुस्ती लगती है। रात को चेतन न हो जाते हैं? रात में नींद खुल जाता है सर सुबह सुबह। बात वही है जी, रात में दिन में सुस्ती लगे, रात में चेतन, मतलब रात में नींद खुल रही है, नींद टूट रही, चेतन है जी। चेतन किसको कहते हैं जी? भाई जो सो गया वो सो गया। हाँ। जो जाग रहा वो चेतन है जी। तो ये कुंडली सही है, बताएं क्या जानना चाहते हैं पंडित जी? मेरी शादी 2010 को हुई है, उसके बाद 13 में मेरी बेटी हुई है एक, और उसके बाद सेकंड चाह रहे हैं एकाध और बेटा हो जाए या बच्चे हो जाए, तो वो नहीं हो रहा गुरुदेव। देखिए कुंडली के अनुसार तो हमारे मत से अभी भी जी पुत्र रत्न नहीं होना चाहिए जी। पुत्र रत्न की प्राप्ति 2-2.5 वर्ष के बाद होगी। 2-2.5 साल के बाद होगी? 2-2.5 साल जी, पर पुत्र होगा जरूर जी, टेंशन मत लीजिए। अब ये बात है कि पुत्र के बाद सच बोलें जी सुख होगा कि नहीं होगा, ये कहना जरा जटिल, पर पुत्र होगा जी। सर पंडित उपाय बता दीजिए महाराज जी। किस चीज का? ये पुत्र प्रेगनेंसी रुक ही नहीं रहा है, इलाज करा रहे हैं उसके बाद नहीं रुकेगी ना, क्योंकि अभी 2-2.5 साल तक इनका समय अनुकूल नहीं है जी। प्रकृति के कुछ नियम हैं तो उसके आधार पर 2-2.5 साल संतान नहीं होगी, उसके बाद बिना प्रयास के बिना दवाई के पुत्र हो जाए, कोई दवाई की या कोई उपाय करने की जरूरत नहीं रहे। गुरु जी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है सर। आप जब भी पीला पुखराज पहन लेंगे जी, पीला पुखराज पहन लेंगे जी, और एक चंद्रमणि जी, एक महीना लगेगा आपकी आर्थिक स्थिति बदलने लगे जी। अच्छे 2 रत्न, एक चंद्रमणि, एक पीला पुखराज पहन। अगुरुदेव किसकी पूजा करनी चाहिए, आराधना किसकी करनी चाहिए? हमारे ख्याल से तो लक्ष्मी जी की। लक्ष्मी जी की।